नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जब इसको ग्राइंड करा था तो मैं आपको बताना भूल गई, दिखाना भूल गई, थोड़ा बिजी थी। लेकिन अब मैंने इसको दूध में डाल दिया है। ये करीबन 6 किलो गाजर है और 5 किलो इसमें दूध पड़ा हुआ है। बाकी जो और मसाले पड़ेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। इलायची डाल दी है, वैसे मैंने थोड़ा हल्का सा केसर भी डाला है इसमें, और बाकी काजू, किशमिश, बादाम, उनकी तैयारी कर रही हूँ। और घी और चीनी तो लास्ट में पड़ेगा ही। अब इसको पकाने में ही कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। खोया लास्ट में डालूँगी। और मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत ही बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू। 2 बर्तनों में रखा हुआ है मैंने पकने के लिए। कैसे पक रहा है देखो, खुशबू आ रही है आप लोगों को? आ रही होगी। ये देखिए, अब की बार मैं लेट हो गई क्योंकि बीच में शादियों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, वरना अभी तक तो 2 बार बन ही चुका होता। आज फर्स्ट टाइम ही बन रहा है। मार्केट से ला के तो खा लिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आता मार्केट से खाने में। अब देखो, 3 से 4 घंटे लगेंगे पकने में, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बना है। थैंक यू। ये देखो, ड्राई फ्रूट्स इतने तो डाल दिए हैं, काफ़ी डाले हैं। ये देखो, अच्छा सा कलर देखो इसका, मार्केट से भी इतना सुंदर हलवा गाजर का। ये देखिए, ये मैंने भगवान जी के लिए पहले निकाल दिया है, कान्हा जी के लिए और सारे भगवानों के लिए। देखो ये गाजर का हलवा, ये भी गाजर का हलवा। ये देखिए कितना सारा बना है, खाते से पता ही नहीं लगेगा, है ना? ये 3 डब्बे गाजर के हलवे के, एक पिंकी का, एक डिम्पी का और एक ही काकू। ये माँ का प्यार गाजर का हलवा।